नमस्कार दोस्तों, विंटर के सीजन में आपको जरूरत होगा एक रूम हीटर का, लेकिन ऑटो मूविंग रूम हीटर होगा तो आपको और भी ज़्यादा फायदा होगा, क्योंकि ये मूविंग होगा और चारों तरफ में आपको देगा गर्मी। तो चलिए वीडियो को लास्ट तक देखते हैं और कैसे इसको इस्तेमाल करते हैं सभी के बारे में आपको आज फुल रिव्यू दूंगा। तो देखिए दोस्तों, ये ऑटो मूविंग हो रहा है, इसका भी एक स्विच आपको आगे दिखाई दे रहा है, इसके बारे में भी आगे आपको बताऊंगा। तो चलिए इसके दो मेन स्विच के तरफ चलते हैं। तो देखिए, ये है उसका दो मेन स्विच, एक है टेम्परेचर बटन और एक है मोड बटन, जो आप यूज करेंगे इसको ऑन करने के लिए। अभी इसको ऑन करेंगे, पहला वाला फैन का ऑप्शन है और उसका फैन का ऑप्शन के बाद उसका प्लस वाला ऑप्शन को जाएंगे और ये है उसका टेम्परेचर को हाई लो करने वाला बटन। आप इसको स्लोली स्लोली हाई और लो कर सकते हैं और ये है उसका लाइट वाला स्विच और ये है उसका फैन वाला स्विच, जो आपको 1 2 3 करके आपको यूज़ कर सकते हैं। और ये ऑफ वाला स्विच है, 0 जहाँ पर लिखा है उस पर ऑफ हो जाएगा। और देखिए, ये अभी मूविंग हो रहा है। नीचे जो स्विच आप देख रहे हैं, ये है उसका ऑफ ऑन वाला स्विच, आप इसको ऑफ कर सकते हैं और वो स्टे हो जाएगा उस जगह पर, और फिर से ऑन करेंगे तो वो मूव करेगा। डिस्क्रिप्शन में भी आपको लिंक मिल जाएगा, उस लिंक में आप जाएंगे तो प्रोडक्ट को ख़रीदने में आपको बहुत ही आसान होगा। तो दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए धन्यवाद। लाइक शेयर और कमेंट जरूर कीजिए इस वीडियो को और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा मेरे चैनल को। धन्यवाद। शुभ रात्रि। थैंक यू।